जय श्री राधे। एक प्रश्न मैंने सुना है कि दीक्षा देते समय गुरु शिष्य के समस्त पाप वहन कर लेते हैं, ऐसा हमने भी सुना है। बहुत सारे पाप ताप लेना पड़ता है, शुद्ध हृदय बिना वो प्रकाश होना संभव नहीं है, तो गुरु को पाप ताप लेना पड़ता है। जो सामर्थ्य गुरु नहीं होता है, कभी कभी ज्यादा शिष्य करने से बीमार ग्रस्त हो जाता है, अल्पायु हो जाता है, और ऐसा देखा गया है। हमारे गुरुजी ऐसे जब अस्वस्थ होते थे तब कहते अभी हम दीक्षा भिक्षा नहीं देंगे, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमारा तबीयत अच्छा नहीं है। बहुतों को गुरु दीक्षा दिया ही नहीं, हमारे सामने बहुत पीछे घूमे हैं, दीक्षा दी क्या जाने, दीक्षा दिया ही नहीं। ऐसे है, सबको थोड़ी दिया जाता है, उसका पाप ताप लेना पड़ता है। अच्छा। इसीलिए पहले हरिनाम देते हैं, पहले हरिनाम देते हैं, हरिनाम साधन के द्वारा उसको चित्त वृत्ति शुद्ध होता है, फिर जाके दीक्षा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। पहले ऐसा नहीं होता है, आजकल तो ऐसा बात है नहीं, कोई नाम साधन किए नहीं, चित्त शुद्धि के लिए कोई चेष्टा किए नहीं है, कोई उतना तीव्र आग्रह नहीं है, एक भावुकता बस जा करके गए हैं दीक्षा लेने के लिए, और हम जैसे गुरु भी फट दीक्षा दे करके शिष्य बना लिए है, तो क्या होता है, अनाधिकारी गुरु अनाधिकारी शिष्य, उसमें क्या मंगल होगा। अच्छा, दीक्षा यानी प्रवचन के समय तो गुरुदेव दिखाई देते हैं, उनके वचनामृत पान कर, लेकिन आचरण में तो सब समय वो दिखाई नहीं देते, आचरण तो देख नहीं सकते, और इतना समय परिस्थिति भी नहीं है कि हम सब समय उनके साथ रहें, तो क्या प्रवचन से मालूम पड़ता है कि ये गुरु सामर्थी है? प्रवचन से सिर्फ मालूम पड़ेगा नहीं, कहते हैं कम से कम 12 साल तो उनके सानिध्य में, पहले जैसे हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही विधान था, 12 साल गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा, आते आएंगे जाएंगे, उनको देखेंगे, उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करेंगे, साधन करेंगे, 12 साल कम से कम गुरु परीक्षा, गुरु तत्व परीक्षा करेंगे, फिर जा करके जब निस्संदेह हो जाएंगे, जब इनके प्रति हमारे श्रद्धा किसी भी अवस्था में टूटेगी नहीं, बस इनको हम ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं, कम से कम इतना तो देखो, फिर जाके उनसे दीक्षा ले सकते हो। हम गुरुकरण पहले कर लेते हैं, श्रद्धा बाद में करते हैं, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी, ये जरूरी है, गुरुकरण से पहले जरूरी है अटूट श्रद्धा। अटूट श्रद्धा होने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है शिष्य को, अगर वो कुछ दीक्षा भी नहीं लिए हो? हाँ, अगर मान लो अटूट श्रद्धा है, किसी को हम गुरु मान के चल रहे हैं, उसमें भी तो वो बहुत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। जैसे एकालब्ध चंडाल था, वो तो गुरुकरण करने का कोई सवाल ही नहीं, चंडाल को समझ धनुष विद्या कोई शिक्षा देते नहीं थे, उनके मन में बड़ी आग्रह हुआ कि हम धनुष विद्या सीखेंगे, द्रोणाचार्य शिक्षा देंगे नहीं, तो द्रोणाचार्य को एक मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य मूर्ति को ही गुरु मान करके धनुष विद्या खुद ही सीखना शुरू किए हैं, उससे इतने धनुर्विद्या में पारदर्शी हो गए जो कोई अचित। तो एक बार गए पंच पांडव जंगल में, जाके देखते हैं एकलव्य का धनुर्विद्या, और ऐसे धनुर्धारी है, ऐसे ऐसे कला दिखा रहे हैं, देख करके अर्जुन तो घबरा गए, जे ऐसे विद्या तो हमारे पास भी है नहीं, बोलते तुम्हारे गुरु कौन? बोलते हमारे गुरु द्रोणाचार्य। बहुत दुखी हो गए जो गुरुदेव कहते हैं अर्जुन तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, हम तुमको सब कला विद्या में निपुण कर दिया, अब गुरुदेव चुपचाप आकर के इसे चंद्र को धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान किए, ये जगत में हमारा नाम तो लुप्त हो जाएगा, यही आगे बढ़ जाएगा, सब जगत जानेंगे जो ऐसे एक चंडाल द्रोणाचार्य के प्रधान शिष्य इतने बड़े धनुर्धर है,
रोते रोते चले गए द्रोणाचार्य जी के पास। गुरुदेव आपने हमको छल किए, अपने ऐसे चंडाल को आपने धनुर्विद्या में ऐसे पारदर्शिता प्राप्त करा दिए हैं जो हम देख चकित हो गए, ऐसे विद्या तो हमारे पास भी है नहीं। अरे कौन है, कौन एक अलब कौन है, और चलिए लेके आए हैं, गए हैं सब एक अलब वो जंगल में रहता है द्रोणाचार्य जी के मूर्ति रख करके वही गुरु मान करके प्रशिक्षण करते हैं, खुद ही उसमें गुरु शक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। द्रोणाचार्य जी दिखते हैं, भाई तुम्हारा गुरु कौन, बोलते गुरुदेव आप ही हैं। अरे हम कहाँ आए हैं, ये तो देखिए प्रभु आप तो ये है, दिखते हैं द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है। अर्जुन कहते हैं भाई हम कभी आए ही नहीं, इसको जानते भी नहीं है, लेकिन हमारे मूर्ति बना करके ऐसे विद्या प्राप्त करने में समर्थ हो गया है, तो गुरुदेव आप बचाइए, कम से कम इज्जत तो बचाइए, जगत में हमारा नाम तो लुप्त हो जाएगा, एक चंडाल का नाम हो जाएगा और आपका भी बदनाम हो जाएगा, जो द्रोणाचार्य ने एक चंडाल को शिष्य बनाया उस समय निज जाति को धनुर्विद्या सिखाना मना था, उस समय धनुर्विद्या या दीक्षा मंत्र प्रदान करना निषेध था। तो फिर छल किए हैं, बोलता ठीक है तुम हमारे शिष्य हो तो गुरुदक्षिणा तो दिए नहीं, आदेश कीजिए गुरु कौन सा गुरुदक्षिणा आपको क्या चाहिए, न तुम्हारे वृंदा दक्षिण हस्त के वृद्धांगुष्ठ ये काट करके हमको दे दो, इसमें धनु बाण खींचते है ना तो ये अंगली नहीं रहने से तो विद्या समाप्त हो जाएगा, ठीक ऐसा ही होगा गुरुदेव, तो हाथ के वृद्धांगुष्ठ काट करके ये आते हैं। तो माने देखो मैंने बिना गुरु के सिर्फ मूर्ति बना करके एक निष्ठ होने के कारण वो समस्त विद्या प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। गुरु निष्ठा ऐसे वस्तु है, ये तो लोक शिक्षा के लिए महाभारत में ऐसे